शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो मुरारेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति 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 दुष्टम् यो विश्वात्मा विहितविषयान् राष्ट्रभोगान् स्तविष्ठान् पश्चाच्चन्यान् स्वमपि विभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेकान् पुनरपि शयनै स्वात्मनि स्थापयित्व हित्वा सर्वान् विशेषान् सुगतमनः आत्मसो मनस्तु वीरः अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के अलग शांति नामक चतुर्थ प्रकरण पर विचार करते हुए अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचा हैं। तो ग्रंथ का कहीं है सृष्टि होना पारमार्थिक संभव नहीं है। उनका प्रतिज्ञा वाक्य है न कश्चित जायते जीव संभव भी अश्य न विद्यते एक तत्त उत्तम सत्यम जत्र किंचित न जायते है ना। जबकि उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है ऐसे उपसंदर्भ में भी ऐसे ही बोले एक सबसे उत्तम सत्य है नहीं समझ में आता तब ठीक है। अब मत अध्यारोप प्रक्रिया से जो है हम मान लेंगे कि चीज़ की उत्पत्ति हुई है फिर जो है ज्ञान होने के बाद पता लगे कि उत्पत्ति अनाश दोनों ही नहीं हुआ वो तो एक स्वप्न ही मात्र है। तो स्वाप्निक वस्तु जैसा मिथ्या होता है इसी प्रकार जागृत प्रपंच ऐसा ही मिथ्या है। तो उस स्वप्न वस्तु में जिस कारण से मिथ्या कहते हैं जागृत में हर चीज़ को घटा करके दिखा फिर बाद में एक एडिशनल रीजनिंग दिया कि जागृत का कार्य है स्वप्न कार्य में कारण का मूल आता है स्वप्न मिथ्या है निश्चित है सभी व्यक्ति जानते हैं कि जरूर कारण भी ऐसे ही मिथ्या ही होगा जिन कारण को पारमार्थिक सत्य नहीं आते इसलिए लेकर के कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे 37 नंबर श्लोक पे अक्षर मिल के पढ़ते हैं ग्रहणां जागरितोऽभवत् तद्धेतु स्वप्नयिष्यते तद्धेतुत्वात्तु तस्यैव सज्जागरितमिष्यते। क्या बोला यहाँ पे कि जागृतवत् ग्रहणात् जागृत के समय ग्रहण होने के कारण है ना जैसे ग्राह्य ग्रह का व्यवहार होता है इसीलिए तत् हेतु मतलब जागृत हेतु है जिसका किसका है स्वप्न का इसलिए तत् हेतु स्वप्न जागृत हेतु है जिसका वो है स्वप्न और स्वप्न है जागृत हेतु वाला ये हमारा अभिष्ट है ये इसका जो है ये स्वीकार किया जाता है इसको सारी बातें परंतु तद हेतु तत्व दस्य सत जागृत इष्यते। अब जो व्यक्ति जैसा स्वप्न देखता है उसका जागरण वैसे ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जागृत वस्तु एक प्रकार दिखाई देने पर भी परंतु प्रत्येक वस्तु का ये सूक्ष्म चित्त अभी भी पूर्ववादी समझ नहीं पाया कि नृत्य क्या कहना चाहता है। एक ही वस्तु दिखाई दे रहा है वस्तु हमारे लिए बंधन की हेतु नहीं होती। बंधन का हेतु जो होता है हमारी भावना हमारी आसक्ति ममत्व बुद्धि तो वो अभी तक समझ नहीं पाया इस चीज का अगला श्लोक में स्पष्टीकरण देंगे इसके।
तदहेतुत्वात् तस्यैव, इस प्रकार वो जागृत हेतु होने वाला होने का, परंतु वो उसके लिए सत्य रहता है। तीन नंबर टिप्पणी में मतलब स्वप्न दृष्टा के लिए जागृत उतना मात्र जागृत उनके सत्य दिखाई पड़ते, मतलब वो प्रतीति होती है। यहाँ पे इष्यत शब्द का पहला अर्थ किया था स्वीक्रियते, दूसरे पट्टी का प्रतीयते, ऐसे अर्थ किया। इसको पट्टिका पढ़ रहे थे हम लोग, देखिए सती यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। उत्तरार्धम योजयति क्षेत्र, मतलब श्लोक में जो उत्तरार्ध क्या है कि तदेतु तस्यैव सद् जागृत भविष्यति, उत्तरार्ध है। उत्तरार्ध को विभाजन करते हुए मतलब अर्थ करते भगवान भाष्य का लिखते हैं तदेतुत्वात् जागृत कार्य, तथा जागृति का कार्य होने के कारण तस्यैव स्वप्न दृश्य, उस स्वप्न दृष्टि के लिए ही सद् जागृतम, न तो अन्य सब उतना मात्र उसके लिए सत्य के प्रति, दूसरे के लिए सत्य प्रतीत नहीं होता। वो कुछ भी हो जाए उसके लिए उसका दुख नहीं होगा, दुख नहीं होता, कुछ नहीं होता। कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमारे आ सकते हैं। टीकाकार कह रहे हैं आप देखिए एक बहुत अच्छा शंका उठाने का है, सती प्रमातरी बाध्यतम स्वप्न मिथ्यत्व, प्रमाता स्वप्न में मतलब स्वप्न दृष्टा, प्रमाता हम स्वप्न दृष्टा को शुद्ध दृष्टा को नहीं बोल रहे हैं, उपाधि के साथ जो दृष्टित्व जहाँ पे आया हुआ है उसको क्या बोलते हैं? प्रमाता। प्रमाता एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति अंतर्यामी भी है, साक्षी भी है, प्रमाता भी है और सर्वानंद भी है, एक ही व्यक्ति। कैसे? जब अंतर बैठ करके नियमन करते हैं अधियज्ञ रूप में, तो वो हो गया था ईश्वर, वो अंदर है। वही व्यक्ति जब सामने दृश्य वस्तु को देखता है तो उसका क्या बोलते हैं? दृश्य सब साक्षी। वही व्यक्ति जब उपाधि की मतलब अंतकरण और मन उपाधि के साथ आरम्भ होकर के देखता दृष्टा श्रोता मंत्र विज्ञाता बनता है तो उसको प्रमाता बोलते हैं। वही व्यक्ति जब स्थूल शरीर में तादात्म्य कर लेता है तो स्थूल शरीर के नाम से है तो एक चेतन, एक ही चेतन। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं सती प्रमातरी, मतलब प्रमाता रहते रहते सत्य सत्य नहीं रहते तो क्या करता है? बाध्यतम स्वप्न स्वप्न बाधित होता है। जब जो मैंने देखा था जिसने देखा उस प्रमाता स्वयं निश्चय करते नहीं नहीं वो वस्तु सत्य नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ काम में नहीं है। अब जब जागृत प्रपंच बाधित होगा तब प्रमाता रहेगा कि नहीं रहेगा? जिस स्वप्न प्रपंच बाधित हो रहा है, जिस समय स्वप्न प्रपंच बाधित हो रहा है उस समय प्रमाता है, वो निश्चय करता है कि स्वप्न जो मैं देख रहा था वो सही नहीं है। अब माया निद्र से जग गए, ये तो व्यवहारिक निद्र, माया निद्र से जग गए, माया निद्र से जगने के बाद जो प्रमाता है वो रहेगा कि नहीं रहेगा? प्रमाता नहीं रहेगा। देखिए क्या है, जैसे ये लाइट है ना, कई बार मैं दृष्टांत देता हूँ। एक लाइट है, यहाँ पे 10 अलग अलग घड़ा है, 10 अलग अलग घड़ा में पानी अलग अलग है और उस पानी में एक ही लाइट का प्रतिबिंब भी हो रहा है। 10 घड़ा में पानी, 10 घड़ा में प्रतिबिंब और एक लाइट मतलब बिंब, ठीक है आप लाइट, ठीक है। अब एक घड़ा टूट गया तो क्या बचेगा हमारे पास? 9 घड़ा, 9 घड़े में पानी, 9 घड़े में प्रतिबिंब और एक बिंब। दूसरा घड़ा टूट गया, 8 घड़ा, 8 घड़े में पानी, 8 घड़े में प्रतिबिंब और एक बिंब। ऐसा करते करते 10वां घड़ा भी टूट गया तो क्या बचा आपके पास? क्या बचा? मैं इस पर आप दृष्टांत तो सापेक्ष में आप क्या बोलेंगे वहाँ पे? मैं जो दृष्टांत तो देख करके मैं समझा रहा हूँ आपको, आप जब 10वां घड़ा टूट गया तो आपके पास क्या बचा? हाँ, सामान्य रूप से यही शब्द प्रयोग करेंगे कि एक बिंब ही केवल बचा, परंतु बिंब शब्द सापेक्षी शब्द है, प्रतिबिंब के सापेक्ष में उसको बिंब बोला जा रहा था। आप जब प्रतिबिंब आपका बोध हो गया कोई एक वस्तु है परंतु आप उसको बिंब नहीं बोल सकते। प्रमाता नाश नहीं होता, प्रमाता की जो शुद्ध चेतन है वो नाश नहीं होता, प्रमातृत्व चला जाता है। मैं तो मात्र जो प्रमाता शब्द जिसके लिए प्रयोग कर रहे थे, जिसके लिए बिंब शब्द एक कोई है, एक प्रकाश है, ये तो समझ में आ गया आपका इसका प्रति, परंतु वहाँ पे बिंब शब्द प्रयोग नहीं होगा और वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करके सेटिंग किया हुआ है, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है परंतु बिंब नहीं दिखाई दे रहा, परंतु आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रतिबिंब जब दिखाई दे रहा है तो बिंब है वो। अब 10वां घड़ा टूट गया तो आप वहाँ पे बिंब शब्द तरह आपको मतलब शास्त्र ने समझाया हमको, देखिए बिंब है। अब जब 10वां घड़ा टूट गया तब उस प्रतिबिंब शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए बिंब शब्द भी प्रयोग नहीं होगा। परंतु कोई एक लाइट है ये पक्का समझा दिया, बस इतना ही हमें है।
कि प्रमाता जो इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार करते प्रमातृत्व उसमें आया, परंतु आप क्या हो गया, आपने जग गए, आपका घड़ा टूट गया, घड़ा के अंदर पानी था, मतलब मन के साथ जो आपका तादात्म्य कर रहे थे वो फैल गया, अब आपका प्रतिबिंब नहीं हो रहा, मतलब चिदाभास अथवा प्रमातृत्व चला गया, परंतु शुद्ध चेतन हो रहे उसको शब्द प्रयोग। देखिए शब्द कितना सुंदर समझाया यहाँ पर ज्ञानंद गिरी जी ने, सती प्रमातरी बाध्यतम स्वप्न से मित्रतम, प्रमाता रहते हुए स्वप्न बाधित होते हैं, इसलिए हम उसको मित्र बोलते हैं। परंतु जागृत में जब हम जग जाएंगे तो प्रमाता कहाँ होगा, तो मित्र कैसे कौन निश्चय करेगा, बोलते यहाँ पे जागृत पुनर्तक अनुपलम्बा, जागृत में मतलब जो व्यक्ति जग गया, कौन माया मित्र से जग करके जिसका बोध उत्पन्न हो गया, उसमें तो प्रमातृत्व को उपलब्धि नहीं होती, तो कौन निश्चय करेगा कि जागृत मिथ्या। इसलिए नहीं बोलना चाहिए, इसलिए होता है कि जागृत पुनर्तक अनुपलम्बा परमार्थत सत्यत्व, इसलिए पारमार्थिक सत्य वस्तु जागृत को, मतलब जागृत बाधित नहीं होता, जागृत पुनर्तक अनुपलम्बा मतलब वो बाधित नहीं होता है, बाधित क्यों नहीं होता, ऐसा लगता है कि हमें बोल क्या आया, प्रपंच यदि विद्यते निवर्तत न संशय, प्रपंच यदि होता, यदि वहाँ पर सर्प हुई होती तब आपको सर्प को नाश करना उसको बर्तना सब दिखाई पड़ता, यदि रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है जो सर्प वहाँ पर पारमार्थिक रूप से विद्यमान हुई होती तब क्या होता, वो सर्प को भागना अथवा मारना पीटना चाहिए सब सबको दिखाई पड़ता, पर जो है नहीं केवल ज्ञान होते ही रज्जु के उस सर्प गोल हो जाते हैं, तो यहाँ पे निश्चय करने वाला कौन, इसलिए बोलता है जागृत पुनर्तक अनुपलम्बा, ये जो जब माया नित्य से जग जाता है व्यक्ति जगने के बाद वो जो है वो जो प्रमाता निश्चय करने वाला है वो तो नहीं रह जाता, इसीलिए आप ऐसा नहीं कह सकते जो हमारा पहला भावना था, बोलते यही तो बात है, इतना ही वेदांत तो समझाते हैं हम, कि देखो वस्तु को समझा दिया सृष्टिकर्ता के रूप में समझा दिया, बाद में क्या कर दिया अथा तो आदेश नेति नेति, सृष्टि है ही नहीं, परंतु जिसको सृष्टिकर्ता बोला जा रहा था सृष्टिकर्ति तो नहीं है परंतु वस्तु है, और वही सबका स्वरूप परमात्मा, अब ये चीज को समझाने के लिए हमने शंका को उठाया कि सती प्रमातरी बाध्यतम स्वप्न से मिथ्यत्म, जागृत पुनर्तक अनुपलम्बा, जागृत काल में तो ऐसा उपलब्ध नहीं होता, प्रमाता तो नहीं रहता, निश्चय करने वाला नहीं रहता, क्योंकि यदि ऐसे निश्चय कर जस्यमतम तस्मतम मतम जस्य न वेदस्य, है ना, यदि निश्चय करने वाला रह करके बोला था वो अभी तक पूरा ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए वो तो रहते नहीं है, इसलिए परमार्थिक सत्यत्म, इसलिए आपको परमार्थिक सत्य मानना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है ये बताओ, कार्यस्य मिथ्यत्व, ये ना ननु लगा करके समझना इसको, यहाँ पर हमने सत्य प्रमातरी ना इसके आगे एक नन मतलब शंका करने वाला, क्योंकि वो लास्ट में देखो बोलते हैं आशंक्य आह, लास्ट में देखिए इसके जहाँ फिनिशिंग हो रहा है, मतलब शंकावादी का मतलब पूर्ववादी जो हमारी मन की शंका है उस शंका को उठा करके आनंद विजय रख रहे हैं, ये शंका वाक्य है, आप बोलते हैं अच्छा भाई और बताओ कार्यस्य मिथ्यत्व कारणस्य भी मिथ्यत्व इति मानभाव, मानोभाव कैसे लिखा है वहाँ पे, ठीक से पढ़ो, भाव में आकार की मात्रा है मानाभाव, तो में एक आकार की मात्रा है उसको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये तो आप बिल्कुल ठीक है, परंतु कार्य मिथ्या इसलिए कारण भी मिथ्या होगा, ये कहाँ से कहाँ दिखाई दिया, उसका व्यभिचारण है, क्यों रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा था सर्प, सर्प मिथ्या निश्चय क्या, अब रज्जु में मिथ्या निश्चय बोलो कि नहीं, तो नहीं है, तो तुम्हारा सिद्धांत तो बिगड़ जाएगा, तुम्हारा सिद्धांत तो बिगड़ जाएगा, इसलिए आपका ये कथन सही नहीं है, कार्य आपने क्या युक्ति दिया, स्वप्न रूपी कार्य मिथ्या है, इसीलिए कार्य कारण का गुण कार्य में आता है, परंतु क्या हो गया कार्य मिथ्या निश्चयकरण कारण भी मिथ्या होना चाहिए, परंतु ये जो तुम बोल रहे हो तुम्हारे व्यभिचार स्थान देख लो, तुम ये देते हो दृष्टांत, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प मिथ्या, ये निश्चय करने के बाद आप स्वच्छ बोलोगे कि सर्प मिथ्या इसलिए रज्जु भी मिथ्या है, थोड़ी मानोगे ये, इसलिए क्यों बोल रहे हो तुम, ऐसे तुम्हारा सिद्धांत तुम बिगाड़ दिया, जब उसका उत्तर देंगे इसका कार्यस्य मिथ्यत्व कार्यस्य भी मिथ्यत्व इति मानभाव, आपका ये कथन जो है सही नहीं है, प्रमाण के द्वारा नहीं जाने इसका व्यभिचार स्थान है, और नहीं सर्व साधारण विद्यमान जागृत मिथ्या भवति, इसलिए जो सभी व्यक्ति के लिए साधारण रूप में दिखाई पड़े, सभी व्यक्ति साधारण रूप में दिखाई ही, क्योंकि नो अलग कर देंगे, सर्वसाधारण विद्यमान जागृत सबके लिए साधारण है और बाद विद्यमान दिखाई देगा, इसलिए मिथ्या भवितु न युक्तम,
ये मिथ्या होना युक्ति संगत नहीं है, मिथ्या भवितुं न युक्तम इति आशंका। ये पूरा हमारी मन की जितना शंका सारा एक टकला करके अनुग्रजन रखते हैं। यहाँ पे भगवान बहुत सामान्य रूप से उत्तर देंगे, अरे थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से विचार करके देखो। स्थूल दृष्टि से तो हम बोलेंगे सभी को एक ही वस्तु दिखाई देगा, परंतु सूक्ष्म विवेकी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा। विवेकी व्यक्ति बोलेगा कि सबका अलग अलग है, और वो जो विद्यमान आपको दिखाई दे रहा है वो विद्यमान भी पारमार्थिक विद्यमान अज्ञान का वो सर्प को अब कब तक रहेगा सर्प, जब हमने देखा और जब तक देखूंगा जो प्रज्ञु कहेगा तब तक ही सर्प की विद्यमानता है, भारती नहीं है सर्प की विद्यमानता। ठीक इसी प्रकार से यहाँ तो समझना चाहिए, और विवेक पूर्वक ऐसा लगता है कि हम एक ही चीज़ को बार बार रोज रोज देख रहे हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। और मुख्य रूप से क्या, जब हमने माना ही नहीं कि उत्पत्ति होना संभव नहीं तो कहाँ से देखोगे तुम, तो कल्पना ही मात्र है ये सब नहीं, क्योंकि सर्वसाधारणम विद्यमानम च, सभी के लिए साधारण है और विद्यमान दिखाई दे रहे थे, इस प्रकार से जागृत है। मिथ्या भवितुम न युक्तम, मिथ्या होना युक्ति संगत नहीं है इति आशंक, इति आशंक इतना पूरा वहाँ से लेकर, मतलब ये ननु आपके पोस्ट में मतलब अपने भाव में लगा लेना वहाँ पे, वहाँ पे तीन नंबर टिप्पणी सती प्रमातरी है ना, टिप्पणी तीन नंबर, स्वप्न ही प्रमातु सद्भाव काल एव बाध्यते इति सो अस्तु मिथ्या, जागृतस्य तु प्रमातरे विद्यमाने बाध अनुपलम्बात् न मिथ्यत्वं युक्तम्। टिप्पणी का देखो एक एडिशनल पॉइंट जोड़ दिया हमें, सभी का देखिए दृष्टिकोण देखिए सब खुल जाएगा कि स्वप्न ही प्रमातु सद्भाव काले एव बाध्यते, स्वप्न कब बाधित होता है, जब प्रमाता विद्यमान रहता है, प्रमाता की सद्भाव काल में ही प्रमाता अपने आप निश्चय करते अपने बुद्धि मिलता है, जब बताया स्वप्न ही प्रमातु सद्भाव काले एव बाध्यते इति, इसलिए सो अस्तु मिथ्या, ठीक है क्योंकि हम स्वयं निश्चय करके मिथ्या है, वो पहले काम कर रहा था अभी काम नहीं कर रहा, इसलिए सो अस्तु मिथ्या, लेट इट बी सो, वो मिथ्या है। परंतु ये तू जागृतस्य तु प्रमातरे विद्यमाने बाध अनुपलम्भा, जब तक प्रमातृत्व रहेगा तब तक जगत बाधित नहीं होगा कोई निश्चय, जब तक प्रमातृत्व मतलब शरीर इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके व्यवहार की प्रवृत्ति तब तक जगत थोड़ी बाधित होगा, बहुत निश्चय करेगा, इसलिए सत्य ही मानना पड़ेगा प्रमात्र, इसलिए बताए जागरित शु प्रमातरे विद्यमाने बाध अनुपलम्ब, जब तक प्रमाता रहता है, यहाँ पे जो है प्रमातरे विद्यमाने सति, ये एक सती शब्द मध्य कर प्रमातरे विद्यमान सति बाध अनुपलम्ब न मिथ्यत्व, इसलिए ये मिथ्या ये कहना युक्ति संगत नहीं है, ये कहना युक्ति संगत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको उत्तर भगवान भाष्यकर उस श्लोक की पंक्ति का यथा स्वप्न स्वप्न दिश एव सन साधारण विद्यमान वस्तुत्व, जो स्वप्न देख रहा है व्यक्ति, वो स्वप्न देख रहा है व्यक्ति, उसका अपना स्वप्न होते भी वो क्या देखता है, हमारे साथ आए हुए सभी व्यक्ति उसी वस्तु को ही देख रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ उसी आप ही देख रहे हैं। आप सामान्य व्यवहारिक काल में भी देखें, दस पाँच मित्र मिल करके गंगोत्री देख लेंगे, आप पांच मित्र को घूम के आने के बाद अलग अलग करके पूछो क्या देख कर खाया, देखो क्या देखो क्या बोलते, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो है स्वप्नों काल में भी ऐसा ही होता है, अन्य वस्तु हमको लगता है कि वो वस्तु भी यही वस्तु दिखाई दे रहा है उसको, परंतु ऐसा नहीं, ये सूक्ष्म विचार से पता लगता है। इसलिए बोलता है यथा स्वप्न स्वप्न दृश्य एवं सन, वो स्वप्न क्या होता है, स्वप्न दृष्टा का ही विशेष, यथा स्वप्न स्वप्न स्थान साधारण विद्यमान वस्तु, सभी के लिए साधारण एक विद्यमान वस्तु जैसे ही लगता है। हम स्वप्न देखा कि मैं जो है दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता कहीं पे गया, वहाँ पे और भी व्यक्ति जा रहे हैं, सभी व्यक्ति साधारण उसी वस्तु को देख रहे हैं, इसी प्रकार से साधारण विद्यमान वस्तु अभिभाषित है। कितना सूक्ष्मता को लेकर के विचार करके तब जाकर फॉर्म अनफॉर्म भी बोल सकता है कि मिथ्या तो कैसे निश्चय कर सकते, कि तथा तत्कारणत्वात् साधारण विद्यमान वस्तुवत् अवभाषमानम न तो साधारण विद्यमान, वो साधारण उसका उस जागृत का ही ये हेतु, जागृत हेतु वाला होने के कारण स्वप्नों वहाँ भी ऐसे सबके लिए साधारण ये दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तविक वो साधारण विद्यमान वस्तु नहीं है, सबके लिए साधारण विद्यमान वस्तु नहीं है। स्वप्न स्वप्न दृश्य एव सन, स्वप्न स्वप्न दृष्टा का ही होते हुए साधारण विद्यमान वस्तुवत् अवभाषते है ना, जैसे जथा जैसे ऐसा होता है। ये टिप्पणी तो हमने पढ़ लिए थे ना, जथा के ऊपर टिप्पणी पढ़ लिए थे, यथा स्वप्न सती प्रमातरी बाध्यत्व अबाध्यत्व स्वात्मेशु भाने अपि मिथ्यत्व अविशेषा, ठीक है ना।
प्रमाता रहते हुए ही सती प्रमाता ने बाधत तो अबाधत्व प्रमाता ही कि हमें स्वप्न काल में बाधित नहीं है, जगने के बाद बाधित हो जाते बाधत तो अबाधत्व स्वप्ने सुमता साप्निक विषय का हानि हो भी साप्निक विषय में भान मिथ्यात्व तो अविशेष है। इसीलिए जो इस समय भान हो रहा है जिस समय भान नहीं रहा उसमें मिथ्यात्व तो समान रूप से कार्य करणयोर मिथ्यात्व तत्र समव्याप्तत्व मतलब दोनों ही एक कैटेगोरी का है समव्याप्तत्व समजात्यत्व समझ कार्य और कारण समान जाति होते हैं। मृत्तिका से बना हुआ घर है मृत्तिका का ही होगा मृत्यु धर्म होते हुए निश्चित रहेगा। इसी प्रकार से कार्य करना है मतलब क्योंकि आपने स्वप्नों को जागृत का कार्य माना सभी बात ये कहता है इसीलिए स्वप्न में यदि मिथ्यात्व आपको दिखाई पड़ता है तो जागृत मित्र कार्य करना मिथ्यात्व सच तत्र समव्याप्तता मिथ्यात्व दोनों में समान रूप में व्याप्त है समव्याप्तत्व समान रूप सर्वसाधारण्यादि भाने अपनी वो सबके लिए साधारण इस प्रकार प्रतीति होने पर भी सर्वसाधारण्यादि माने भी मिथ्यात्वाद स्वप्न एवं सर्व समाधान स्वप्न सभी एक साथ हमने कई स्वप्न में देखा वहाँ भी सभी के लिए सामान्य रूप से एक ही दिखाई पड़ता है फिर भी हम मिथ्या निश्चय करते हैं मिथ्या करते हैं मिथ्यात्व स्वप्न एवं सर्व इसी से समाधान ढूंढ लेना सर एवं सर्व समाधान इति भाव है इसके अंदर भाव है। क्या क्या प्रश्न उठाया शंका क्या हुई थी यहाँ पे प्रमाता रहते हुए ही प्रमाता स्वयं जो है ये सत्य मिथ्या निश्चय करते हैं परंतु जब आप जग जाएंगे तब आप निश्चय कैसे करेंगे वहाँ पर तो प्रमाता बाधित नहीं होती तो फल तो क्या होता है कि ये जागृतिक जागृत को आप मिथ्या नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि कार्य मिथ्या होने से कारण भी मिथ्या होगा ये भी आप नहीं कह सकते हो इसलिए विद्यमान जगत जैसा दिखाई दे रहा है ये सच है ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा कहने पर भाष्यकार बोलता है नहीं नहीं जैसा स्वप्न में स्वप्न दृष्टा के लिए वस्तु होते हैं उस समय भी कई व्यक्ति मिलकर के एक ही वस्तु को देखते हैं फिर भी उठने के बाद वो निर्णय करते हैं कि नहीं क्योंकि यदि हम कहते हैं क्यों जी कल हम लोग गंगोत्री गए थे कि नहीं रात आप तो हमारे साथ थे बोले ये देखो बुढ़े पागल हो तब तो हम कमरे में सो रहा था इसीलिए अभिप्राय यही है कि हमको उस समय दिखता है परंतु जब तक अज्ञान रहेगा अज्ञानी को उसे दिखेगा परंतु जो जग गया है उसको समझ में आ जाएगा कि अज्ञान से प्रतीति हो रही है। श्रीवत सर्वसाधारण विद्यमान जगृत मिथ्या भवित युक्त करने पर बोल जाए कि नहीं तथा तत्कारणत्व मतलब जागृत कारण वाला होने के कारण साधारण विद्यमान वस्तुवत उस जागृत में जैसा साधारण सबके लिए सामान्य विद्यमान वस्तु दिखाई पड़ता है सपने में भी ऐसे दिखाई पड़ते हैं वो भी तो सामान्य विद्यमान है और स्वप्न काल में सभी के लिए उपलब्धि भी होती है परंतु न तो साधारण विद्यमान वस्तु स्वप्न बदे परंतु जागृत भी साधारण विद्यमान वस्तु नहीं है स्वप्न में जितना समय दिखाई पड़ता है उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे है स्वप्न बद एवं अभिप्राय अच्छा भाई बहुत मुश्किल से यहाँ तक तो पहुँचा आप आगे बोल रहे हैं कि जो कार्यकारण भाव हमने कहा ना हमारे पारमार्थिक सिद्धांत क्या है सृष्टि होना संभव ही नहीं है। यदि आप इसको जागृत को स्वप्न के लिए कारण मानोगे तब आपको उसकी पारमार्थिक विद्यमानता मानना पड़ेगा क्योंकि कोई भी उपादान कारण हो तभी ना कोई कार्य होगा तो आपने यानी कि आप जागृत को कारण और स्वप्न को कार्य मान करके स्वप्नों में मिथ्या तो इसलिए कारण में मिथ्या होगा परंतु अरे भाई कारण नहीं होगा तो कार्य कहाँ से उत्पन्न होगा एक शंका और मन में होगा यदि कार्य नहीं कारण नहीं है तो कार्य कहाँ से उत्पन्न होगा मिथ्या वस्तु से थोड़ी कुछ उत्पन्न हो सकता है इसलिए वो मिथ्या नहीं हो सकता है ऐसा जब कहते हैं बोलते यही तो हम तुमको समझाना चाहते हैं कि उत्पत्ति हुई नहीं वहाँ पे परंतु समझाने के लिए हमने अपनाया था स्वप्न और कार्य कारण भाव दिखा करके परंतु वास्तविक में वस्तु है ही नहीं इसको कहने के लिए हम पहले से जो बोल करके आया कि न कस चीज जाए जब कोई उत्पत्ति होना संभव नहीं है यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे बोलते हैं कार्य कारण भावे अपनी स्वप्न जागृतिका में कार्य कारण भावे अपनी स्वप्न जागृत न मिथ्यात्म अविशिष्टम अत्यंत वैषम्यात आशंक आह ठीक है ना तो कार्य कारण भाव ठीक है मान लेने पर भी परंतु एक में स्थिरत्व है और एक में चलत्व है पूर्ववाद ये कहना चाहेंगे तो क्या देंगे जागृत मतलब सत्य है क्यों स्थिरत्वात् स्वप्न मिथ्या है क्यों चलत्वात् यह दूसरे वो दिखाना चाहते हैं इसलिए दोनों में विलक्षण होता है बिल्कुल विलक्षण होता है पूर्ववादी बोलना चाहते कार्य कारण भाव या फिर ठीक है दोनों में कार्य कारण भाव आपने कहा ये होने पर भी स्वप्न जागृत स्वप्न और जागृत में जागरण में कार्य कारण भाव होने पर भी न मिथ्यात्व अविशिष्टम दोनों में मिथ्यात्व समान रूप में बैठा हुआ है यह आप नहीं कह सकते
दोनों में मिथ्यात्व अवशिष्ट मतलब समान रूप में दोनों में मिथ्यात्व बैठा हुआ है, ये नहीं कहा जा सकता अवशिष्ट। क्यों? अत्यंत वैषम्यात्, अत्यंत विलक्षणता है। अत्यंत विलक्षणता क्या है? एक तो है चल रूप है, एक अस्थिर है और एक स्थिर है, एक अस्थिर है और एक स्थिर है, ये उनका मन में लगना है। अब खुद देख लो कि जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है उसके मन की कहाँ तक स्थिरता है। जो जगत की वस्तु को स्थिर कह रहा है मतलब ये हमारे लाभदायक होगा, उसी व्यक्ति को इस समय तर्क के सापेक्ष में बोल रहा है सामान्य अवस्था में। बताओ जगत में कौन वस्तु को सुख दिया, ईमानदारी से बताओ, क्या बोलेगा महाराज? पूछो रे महाराज, पूछो रे, यही बोलेगा, उसको उत्तर यही होगा। इसी एक छोटा छोटा हर शंका को इतना सुंदर उठाया यहाँ पे, कार्य कारण भावे अभी स्वप्न जागृत है न मिथ्यात्म अवशिष्टम, दोनों में मिथ्यात्व तो समान रूप में बैठा हुआ है, ये आप नहीं कह सकते हैं। क्यों? अत्यंत वैषम्या, अत्यंत विलक्षणता है, दोनों समता नहीं है, विषमता है। विषमता के भाव को बोला वैषम्य, वो तो पहला हो गया विषम, उसके बाद तद्धित किया वैषम्य, उत्तर देते हैं क्या आप श्लोक में आ जाइए। चार नंबर टिप्पणी बोलते हैं, चार नंबर टिप्पणी में जब क्या बोलते हैं, वैषम्य क्या है? स्थिरत्व अस्थिरत्व रूपादिति अर्थ, कौन स्थिर है? जगत जागृत, जो देखते स्थिर दिखाई पड़ता है, और स्वप्न अस्थिर, ठीक है। इसलिए सामान्य व्यक्ति तो यही कहेगा, सामान्य व्यक्ति को यही कहता है, परंतु विवेकी व्यक्ति को समझ में आता है कि जगत भी कोई स्थिर वस्तु नहीं है। जिस प्रकार देखिए कि सामान्य व्यक्ति बुद्धि से भी देखिए, विज्ञान की भी क्या बोलते हैं, एक गाड़ी की गति हम यहाँ पे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर, परंतु जिस गति से पृथ्वी घूम रही है वो गति उसके साथ जोड़ोगे तो क्या दशा होगा, क्योंकि वो गति उसी के ऊपर चल रहा है। जिस प्रकार एयरपोर्ट में आप देखेंगे उसे इस प्रकार हॉरिजॉन्टल एक्सेलेटर है, वो चल रहा है और आप उसके ऊपर चल रहे हैं, आपको क्या लगेगा कि व्यक्ति दौड़ रहा है, क्यों? वो एक्सेलेटर गति आपके साथ लग जाए। तो जिस प्रकार के गति हमको दिखाई पड़ रही है सच्चा नहीं है। संसार में हर वस्तु में ध्यान रखना, हम अपनी दृष्टि से जो देख रहे हैं वो सापेक्ष की देख रहे, सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। हर चीज़ जो है उसको उसको निर्भर करके दिखाई पड़ता है। ये अच्छी तरह से किसी भी जगह पर बैठो तो आपको पता लग जाएगा कि क्या भ्रांति कहाँ पे हो रहे हैं, वैदांतिक दृष्टि खुल जाएगा। सच सच में ये चीज़ आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगी। एयरपोर्ट में जब लंबन चले ना आप गए हैं तो आप उसके ऊपर कोई व्यक्ति चल जाएगा, आपको लगेगा कि दौड़ है, वो दौड़ नहीं रहा है, उसके सामने स्कलेटर गति भी जो दूर जाता है, क्या इस गाड़ी में दिखाई पड़ता है? यदि आप पृथ्वी के बाहर जाकर किसको देखोगे कितना गतिशील दिखेगा आपको। इसीलिए ये स्थिर नहीं है, कितना चलमान है ये आपको पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस समय आप आत्मभाव में बैठेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आप इस मतलब इस सृष्टि से ऊपर उठ करके भी चलेंगे, सृष्टि से ऊपर उठ के ऊपर गए, कितना ज़्यादा स्थिर पृथ्वी हम देवी देवेश्वर सत्य प्रकृति मुक्ति सत्य रजतम गुण से छुटा हुआ तो कोई नहीं है, और आपको गुणातीत होना है तो क्या करना पड़ेगा, इस सृष्टि में सारे वस्तु के साथ संबंध छोड़ना पड़ेगा। उस स्थिति में तो संबंध छोड़ करके वस्तु को जब देखने लग जाएंगे तो यथार्थ दिखाई देने लगेगा। जिस प्रकार एक पिता को धृतराष्ट्र को दुर्योधन गलत कर रहे हैं परंतु उसको गलती नहीं दिखाई दे रहा, क्यों? आशंति आशंति। ठीक इसी प्रकार किसी वस्तु में भी जो हमारे मन की प्रीति होती है ना वहाँ पर कमी है, लोग बोलते भी है परंतु हमको नहीं दिखाई देता, क्यों? उस वस्तु के प्रति प्रीति। यही चीज अविवेक के कारण नहीं होता है, ये वेदांत तो आपको ये अविवेक के ऊपर आघात करेगा बार बार, इसको विवेक पूर्वक दृष्टि से देखना सिखाएगा। इसलिए कार्य कारण भावे अभी स्वप्न जागृत न मिथ्यात्व अवशिष्टम अत्यंत वैषम्य, वैषम्यता क्या है? एक स्थिर और एक अस्थिर रूप, ठीक है ना, जो हमको स्थिर देख रहे बताओ क्या ये अस्थिर है, ये कितना स्थिर है, इतना प्रचंड गति के कारण कितना उसमें इरोशन हो रहा है, कितना क्षय हो रहा है, तो हमको दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि हमारी दृष्टि को सामर्थ्य ही नहीं है। इसलिए आप बोलते हैं ये अस्थिर रूप बता देती अर्थ। अब इस श्लोक में उत्पादस्य प्रसिद्धत्वात्, उत्पादस्य प्रसिद्धत्वात् अजं सर्वमुदारितम्, अजं सर्वमुदारितम् न च भूताद् भूतस्य, न च भूतान् भूतस्य
संभवस्ति कथञ्चन संभवस्ति कथञ्चन उत्पादस्य प्रसिद्धत्वा संभवस्ति कथञ्चन उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वा उत्पत्ति की प्रसिद्धि नहीं है। रज्जु के ऊपर किसी भी काल में तीनों काल में सब उत्पत्ति नहीं होते, एक प्रतीति मात्र है। मरुभूमि में बालिका में कभी भी पानी की तालाब वहाँ पर बनती नहीं है, कोई नहीं बनाते। इसलिए बोलता है उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वा, क्योंकि जो पहले से कथन कर आ रहा है ना जगत मिथ्या, मतलब आगम प्रकरण में भी वही तथ्य प्रकरण में भी अद्वैत अधिष्ठान सत्य बोलकर उत्पत्ति न हो। इसलिए हम पहले क्या करके आए हैं कि अजम सर्वम सबाई अभ्यंतर ही अज आत्मशन आएगा, ये मुंडक सबाई अभ्यंतर ही अजम, मतलब वही एक ही तत्व बाहर अंदर जन्म रहित ही वस्तु विद्यमान है, जन्म रहित रूप में सारा चीज विद्यमान है। इसे बोलते हैं अजम सर्वम उदारतम, प्रतीति हो रहा है वस्तु परंतु उत्पत्ति नहीं हुई, इसी को विवर्तवाद बोलते हैं। नहीं होते हुए भी अतात्विक अन्यथा भाव अधिष्ठान तात्विक रूप में अतात्विक अन्यथा भाव परिणाम बात अतात्विक अन्यथा भाव विवर्तवाद। इसलिए देखो कितना कंट्राडिक्ट लगेगा कि सर्वम बोल रहे हैं और अजम बोल रहे हैं, ठीक है ना। सर्व मतलब वस्तु जो भी हमको दिखाई दे रहा है जो प्रतीति हो रही है वो तभी तो सर्व होगा, सर्व मतलब अनेक सर्व अलग अलग वस्तु सर्व बोल रहे थे हर पर तो क्या बोल रहे अजब भी बोल रहे हैं, मतलब जो भी हमको एक ही रज्जु के ऊपर भूचित्र माला दंड जलधरा और भी कुछ जो सर्व जो भी कुछ हमको दिखाई दे रहा है जो भी कुछ दिखाई दे रहा सारा वो सारा अजब है। इसलिए सर्वम शब्द पर जो भी कुछ हमने कल्पना किया जिस व्यक्ति ने अपने अज्ञान से जो भी कुछ कल्पना किया वास्तविक कल्पना ही मात्र है, वो वास्तविक जन्म रही कल्पना जो होता है कि उत्पाद से अप्रसिद्धत्वाद हेतु है। सर्वम अजम सर्वम पक्ष है अजम ये शब्द है, उत्पाद से अप्रसिद्धत्वाद उत्पत्ति उत्पत्ति असंभवात। यदि हम न्याय की शब्द में बोलेंगे तब क्या हो गया सर्वम अजम उत्पत्ति असंभवात, दृष्टांत तो क्या देंगे सर्व को तो अपने पक्ष बना दिया, आपको दृष्टांत व्यतिरिक्त दृष्टांत देना पड़ेगा। आत्मगत आत्मा की उत्पत्ति होती कि नहीं होती, एकमात्र ही आत्मा दृष्टांत देगा। जिसको हम अनुमान किस मतलब न्याय की भाषा में बोलना चाहेंगे सर्वम सर्व को पक्ष बना दिया, इसलिए सर्व को जब पक्ष बना दिया पक्षों में से किसी को उठा करके दृष्टांत नहीं बना सकते, दृष्टांत भिन्न होना चाहिए। सर्वम अजम उत्पाद प्रसिद्धत्वा उदाहरितम ऐसा पहले कथन करके आया, और जो है एक पारमार्थिक वस्तु है और एक प्राकृतिक वस्तु है। इसीलिए एक पारमार्थिक वस्तु से एक प्रातिभाषिक वस्तु की पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव नहीं है, वो प्राकृतिक उत्पत्ति होना संभव। क्या बोला कि उसने क्या बोला था कि रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प को आप सर्प मिथ्या है कि रज्जु थोड़ी मिथ्या होगा। आपने बोला था क्या कार्य कारण भाव में लेकर के कार्य को देख करके तब कारण मिथ्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ये जो कार्य कारण भाव है परिणामवाद वाला कार्य कारण भाव नहीं है, परिणामवाद वाला कार्य कारण भाव नहीं है, या हमारा विवर्तवाद होते हैं कि न भूतात् अभूतस्य जो पारमार्थिक वस्तु है उस पारमार्थिक वस्तु से और कोई एक अभूत वस्तु मतलब पारमार्थिक नहीं है इस प्रकार की वस्तु की पारमार्थिक उत्पत्ति हो जाए ये होना संभव नहीं है, प्राकृतिक उत्पत्ति है ये हम मानते हैं। ये तो व्यवहार में दिखाई पड़ते हैं, ये छोटा छोटा शब्दों को यदि नहीं समझ पाए तो हमको लगेगा क्या बोल रहे हैं, एक ही चीज़ बार बार नहीं बोल रहे हैं। जितना जितना छोटा छोटा शंका मन में होते हैं उसके बोलते हैं निराकरण कार्य कारण भावे अपनी स्वप्न जागृत है न मित्रत्म अविशिष्टम अत्यंत वैषम्य विषमता अत्यंत विषमता जागृत स्वप्न बोलते ऐसी बात नहीं है। हम इति आशंक उत्पाद से प्रसिद्ध तक अजम सर्वधारित न भूतात् मतलब पारमार्थिक वस्तु से अंतिम अभूत से जो पारमार्थिक वस्तु है इसका संभव मतलब उत्पत्ति सम्यक रूपेण भवन सब लगाया सम्यक रूपेण भवन न संभवते कथन चल किस भी प्रकार से न संभव अस्ति किस भी प्रकार से होना संभव नहीं है। अच्छा अब टीका में फिर आ रही है जब तू कार्य कारणत्म सत्य असत्योर एवं स्वप्न जागृत उत्तम तद अयुक्तम इति आह। जो आपने जो कहा ना
रत्तु मतलब परदीर्घ कहा गया था कार्य कारणत्वम, तो हमको समझाने के लिए आपको बोला विवर्तवाद को लेकर के हमने बोला। उसने क्या कहा था, शंका क्या उठाया था, देखो भाई कार्य जो है मिथ्या होने पर भी कारण मिथ्या नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो रज्जु को नहीं मानते, परंतु पारमार्थिक दृष्टि में जब जाएंगे वो एक दृष्टांत के लिए बोलेंगे, परंतु वो जो है ही नहीं वस्तु वहाँ पर। तब अध्यास भाष्य भगवान भाष्यकर बोलते हैं कि देखो भाई जो भी कोई वस्तु की भ्रांति होती है तो सामने कोई वस्तु विद्यमान हो वहाँ पर भ्रांति होना संभव है, वहाँ पर भ्रांति होना संभव है। क्या आत्मा आपको सामने कभी दिखाई देता, भ्रांति वहाँ से कहाँ, अंतात्मा को भ्रांति कैसे हो सकता है। तो भगवान भाष्यकर बोलते हैं जरूरी नहीं है कि सामने दिखाई देने वाला वस्तु में ही आपको भ्रांति हो, आकाश आपको दिखाई देता कि नहीं, तो आकाश नील है कटाकार है बोलते हो कि नहीं बोलते, व्यवहार भी होता है, नहीं दिखाई देने वाले वस्तु में भी ऐसा व्यवहार होता है, अध्यास हम करते हैं। और दूसरी बात क्या है, आत्मा बिल्कुल ये पहले बोलने के बाद फिर बता, आत्मा बिल्कुल नहीं दिखाई देता ये बात नहीं, सभी व्यक्ति मैं करके तो व्यवहार कर रहे हैं, मैं करके तो शुद्ध आत्मा को ही बोलते हैं, परंतु पाते के साथ क्या बोलता है, मैं मनुष्य हूँ ऐसे गड़बड़ शुरू हो जाता है। इसलिए आत्मा पूर्व सामने नहीं ये बात नहीं है, वो सामने में शुद्ध चेतन को नहीं देख पाया इसीलिए शरीर को आरोप करते हैं मैं शरीर हूँ। अध्यास भाषण शुरू में भगवान पहुंचे शरीर के यहाँ पे बोलते हैं जब तू कार्य कारणत्म सत्य सत्योर एवं, जिस जो आपने कहा यहाँ पे कार्य तो आपका असत्य है और कारण जो है आपका सत्य एवं स्वप्न जागृत युक्त भी जो तुमने कहा था, ये कौन बोल रहे सिद्धांत बोल रहे हैं, सिद्धांत बोल रहे हैं पूर्ववादी की, जो तुमने कहा था जब तू कार्य कारणत्य सत्य सत्य मतलब कार्य तो आपका असत्य है परंतु कारण जो सत्य है स्वप्न जागृत स्वप्न जो है आपका मिथ्या है मन जागृत सदी उत्तम तुमने कहा तदुक्तम, ये कथन जो है सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है, हम भी इसको नहीं मानते, आपको समझाने के लिए बोला। तब बोला न च भूतात् अभूतस्य, एक पारमार्थिक वस्तु से और एक अपारमार्थिक वस्तु की पारमार्थिक उत्पत्ति हो जाए संभव, सम उपसर्ग लगाया वहाँ पे, ठीक है ना, सम उपसर्ग लगा हुआ है, मतलब एक विद्यमान एक पारमार्थिक वस्तु से और एक अपारमार्थिक वस्तु की मतलब रेल उत्पत्ति हो जाए ऐसा होना संभव है, ऐसा कहीं भी होना संभव, ये हमारे वेदांतिक मुख्य सिद्धांत है। न च भूत भूत संभव प्रश्न क्या किया था कि आपने बोला विलक्षणता है, तो हमने क्या बोला नहीं विलक्षणता नहीं है, अपने समझ आगे और स्पष्टीकरण देंगे इसका। और ये जो आप बोल रहे हो कि विलक्षणता है, परंतु जो विलक्षणता है मतलब एक सत्य एक मिथ्या है, आप बताओ एक सत्य वस्तु से एक मिथ्या वस्तु की उत्पत्ति कैसे होगी, पारमार्थिक उत्पत्ति ऐसा होना संभव नहीं है, ये इसका उत्तर है। अब आगे जाके बोलते हैं नीकाकार बोलते हैं ये नशा प्रतीक श्लोक का होगा, उत्पाद तो पहला श्लोक का पहला नहीं और दूर दूसरा लाइन के लिए नशा प्रतीक को और श्लोक व्यावर्त्याम आशक्याम आह नंदगिरि जी बोल रहे हैं इस श्लोक के द्वारा हर जगह पे ना शुरू से देव ग्रंथ को ध्यान देगा। नंदगिरि जी बोलते हैं इस श्लोक के द्वारा जिस शंका के निराकरण किया जा रहा है भगवान भाष्यकर उस शंका को पहले दिखा रहे हैं, मंडूक कारिका का एक एक कारिका के द्वारा एक एक प्रकार की शंका को निराकरण किया, तो यहाँ पे कौन शंका का निराकरण हो रहा है उसको भगवान भाष्यकर दिखाना चाहिए। श्लोक व्यावर्त्याम श्लोक के द्वारा निराकरण करने योग्य जो शंका है उसको भगवान भाष्यकर कहते हैं शंकम आह ननु स्वप्न कारणत्ते अपि जागृत वस्तुन न स्वप्नवत अवस्तुत्वम, ये शंका है। बोलते आप जो बोल रहे हो ये मतलब युक्तिपूर्वक कहने पर मन मानने के लिए तैयार नहीं है ये, क्यों ननु मतलब शंकावादी बोल रहे जागृत स्वप्नों का कारण है इस विषय में कोई शंका नहीं है, स्वप्न कारणत्व भी ठीक है जागृत स्वप्नों का लिए हेतु है इस विषय में हमें कोई दिक्कत नहीं है ये मान लेते हैं, परंतु जागृत वस्तु हो परंतु जागृत वस्तु का न स्वप्नवत अवस्तु, जागृत वस्तु स्वप्न की तरह अवस्तु नहीं है वो पारमार्थिक है ये मानना ये कहना चाहते हैं। कैसा है पारमार्थिक है वो बोल रहे हैं देखो दोनों में भिन्नता क्या है, अत्यंत शैलो ही स्वप्न जागृतम तु स्थिरम लक्ष्यते, ठीक है उनकी मन में क्या हुआ वो क्या बोलते हैं कि स्वप्न मिथ्या चलत्वात् जागृत सत्य स्थिरत्वात्, ठीक है वही कहना चाहते हैं कि दोनों में बिल्कुल विलक्षणता दिखाई पड़ता है, एक अत्यंत चंचल है और एक अत्यंत स्थिर है, बार बार दिखाई पड़ता है, एक उनके मन में बैठ गया वो शंका के उत्तर में अपने हेतु को दे रहे हैं। प्रतिज्ञा क्या क्या जागृत स्वप्न की तरह मिथ्या नहीं है, क्योंकि
जागृत जो चंचल की तरह अस्थिर नहीं है, जागृत स्थिर है, ये अभिप्राय से बोल रहे हैं। अत्यंत चल ही स्वप्न है ना, अत्यंत चंचल होता है, सब थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ता है, फिर नाश हो जाता है, दोबारा हम स्वप्न को देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। जागृत क्या है, उठ करके हमको वही वस्तु दिखाई पड़ती है, इसीलिए जाए जागृत तब तू स्थिर लक्ष्य तू, ये विलक्षण तब दिखाने के लिए स्थिर लक्षित होते हैं, लक्षित होते हैं। सत्यम एवं भाष्य का क्या उत्तर दे रहे हैं, सत्यम एवं अविवेकी नाम शायद। हाँ ये आप सही बोल रहे हैं, अब हम पूछेंगे आपसे, ये जो आप बोल रहे हैं ना, विवेकी व्यक्ति के लिए बोल रहे हो तो अविवेकी व्यक्ति के लिए बोलते हैं, यदि अविवेकी लिए बोलते हो हम मानते हैं, और यदि विवेकी लिए बोलते हो तो हम नहीं मानते। दुख में वर्वम विवेकी में, विवेकी व्यक्ति को अलग दृष्टि होते हैं ना, इसीलिए हम बोलते हैं। आनंद गिरी जी बोल रहे हैं देखो, किम इदम वैलक्षण अविवेकी नाम प्रतिभाति किम व विवेकी नाम इति विकल्प आद्यम अंगीकरोति। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप विलक्षणता बोल रहे हो किसमें, जागृत और स्वप्न में विलक्षणता बोल रहे हो, क्या विलक्षणता है, एक स्थिर है और एक चंचल है, ये जो विलक्षणता आप बोल रहे हो, सत्य बताओ कि विवेकी व्यक्ति बोल रहे हैं कि अविवेकी, अविवेकी व्यक्ति बोल रहे हैं, यदि कहे तो अविवेकी व्यक्ति बोल रहे हैं हम मानते हैं, विवेकी व्यक्ति कैसे नहीं बोलना चाहिए, विवेकी व्यक्ति कैसे नहीं बोलना चाहिए। क्या होता है कि जिस प्रकार पंखे का तीन ब्लेड आपको दिखाई दे रहा है, अलग शांति यही है, अलग मतलब एक लट्ठी के माथे में दो तरफ का कपड़ा बांध करके आंख जला दिया, वहाँ पे कोई आकार नहीं है, पर उस लट्ठी को खूब घुमाएंगे तो मनमर्जी आकार उत्पन्न हो जाएगा, तो आकार की ना उत्पत्ति हुई ना आकार की नाश हुई, केवल थोड़ी देर के लिए प्रतीति मात्र है। इसी प्रकार से जो है ये मन की वासनात्मक तीव्र गति के कारण जगत की प्रतीति, ये मानने के लिए हम तैयार नहीं होते, समझ नहीं पाता है कि मन की वासनात्मक गति कितना तीव्र है। इस प्रकार इस पंखा भी तीन ब्लेड दिखाई दे रहा है, जब तीव्र गति से घूमने लग जाएगा एक से पूरा सर्कल दिखाई देगा, ऐसे सृष्टि को इसलिए भगवान आनंद गिरि जी बोल रहे हैं कि मतलब विलक्षण अविवेकी नाम प्रतिभाति कि मैं विवेकी नाम, ये जो विलक्षणता बोल रहे हैं कि अविवेकी व्यक्ति को इस प्रकार विलक्षणता दिखाई पड़ता है तो विवेकी व्यक्ति को दिखाई पड़ता है, विकल्प ऐसा विकल्प करके आद्यम अंगीकरोति, यदि कहे तो अविवेकी के लिए है तो मानती है, अगर नहीं तो मानी गई ऐसे, उसके लिए हमें कोई विवाद नहीं है, उसके लिए कहकर विवाद नहीं करते, तो विकल्प आद्यम अंगीकरोति पहला विकल्प, हाँ अविवेकी बोल ठीक है मानते हैं, सत्यम एवं अविवेकी नाम से ठीक है आपकी बात, अविवेकी व्यक्ति मानेंगे, परंतु द्वितीय प्रत्याह द्वितीय विकल्प क्या था, विवेकी व्यक्ति बोलते हैं, विवेकी नाम तो न कस्यचित् वस्तुनः उत्पादो प्रसिद्धो अप्रसिद्धत्वात् उत्पादस्य। ठीक है ना, यहाँ कॉमा कर देना है, कोई पंक्चुएशन है वहाँ पे नहीं है, एक थोड़ा सा छोटा कॉमा लगा रहे अर्थ करने में सुविधा हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विवेक नाम तू विलक्षणता को दिखाने के लिए, परंतु विवेकी व्यक्ति के लिए तो न कस्यचित् किसी भी वस्तु का उत्पाद प्रसिद्ध, उत्पन्न होना प्रसिद्ध नहीं है विवेकी व्यक्ति के लिए, विवेकी व्यक्ति तो सृष्टि होना संभव नहीं है, यही कहते हैं विवेकी व्यक्ति सृष्टि होना संभव नहीं है, यही कहते हैं। क्यों, ये प्रतिज्ञा है कौन, विवेकी नाम कस्यचित् वस्तु न उत्पाद न अस्ति, उत्पाद प्रसिद्ध न, यदि न कष्ट न कस्यचित् वस्तु उत्पाद प्रसिद्ध, क्या तो क्या है अप्रसिद्धत्वा उत्पादस्य, क्योंकि उत्पत्ति की प्रसिद्धि नहीं है, विवेकी के राज्यों में उत्पत्ति की प्रसिद्धि नहीं है, विवेकी के राज्यों में उत्पत्ति की प्रसिद्धि नहीं है, परंतु अविवेकी के राज्यों में तो कोई चीज उत्पन्न होता है नाश भी होता रहता है, इसलिए बोलते हैं अप्रसिद्धत्वा उत्पादस्य। ठीक है, हेतु दे दिया तो है क्या, यहाँ पे आत्मैव सर्वम, छांदोग्य उपनिषद तैतरीय उपनिषद मुंडक उपनिषद पुरुष एवं विश्व आत्मैव इदं सर्वं ब्रह्मैव इदं सर्वं, इसी प्रकार दिखा रहे हैं, वास वही एकमात्र सत्य वस्तु बाकी नहीं है, और तो कैसे दिखाते हैं, सदैव एक पहले भी था और अभी भी वही है, बीच में कुछ प्रतीति मात्र, इसे बोलते हैं आत्मैव सर्वम इति अजम सर्वम उदाहरितम, इसको मन में रखते हुए बोलते हैं अजम सर्व, सारा संसार वेदम वेदांतेषु सर्वम अजम उदाहरितम, ऐसा कथन किया गया, वेदांतों में सब जन्म रहित है ऐसा ही कथन किया गया है, क्योंकि एक ही कोटेशन होना चाहिए ना, क्यों सब आय अभ्यंतरो ही अजह, ये कोटेशन में है आपके पुस्तक में, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद का शब्द है दिया है कोटेशन नंबर में, हमारे पुस्तक में नहीं दिया हुआ, मैं हमको लगता है कि पहला मुंडक का
दो एक दो एक ठीक है दो एक दो 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 दूसरा का पहला मतलब दो एक दो ठीक है ना मुंडन ऊपर से तो सब आय मतलब वही एक व्यापक तत्व अंदर बाहर सबको व्याप्त करके जन्म रहित स अज ही निश्चित ही स अज बाह्य अभ्यंतर बाहर अभ्यंतर हर जगह पे एक जन्म रहित होगा इसलिए जो है विवेकी व्यक्ति ऐसा निश्चय करता है अविवेकी व्यक्ति ऐसा निश्चय नहीं कर पाते क्यों निश्चय नहीं कर पाते क्योंकि जागतिक वस्तु के प्रति आसक्ति ये सत्य है ये मेरा काम में आएगा क्योंकि शरीर का अन्न मानता है इसलिए अन्न वस्तु वासस्थानी हमारे काम के वस्तु है ऐसा मानते हैं और जो आत्मा को यथार्थ आत्मा मानते हैं वो अन्न वस्तु वासस्थान के प्रति ध्यान देंगे तो शरीर अपना प्रारब्ध कर जैसा प्रारब्ध लिखा हुआ है सत्य है ये जो है ये बेसिक भिन्नता ही होता है विवेकी व्यक्ति और अविवेकी व्यक्ति के लिए इसलिए यहाँ पे बोलते स्वाभाविक अभ्यंतर अजय इति अच्छा द्वितीय प्रकार फिर अब टीकाकार देखिए क्या बोलते हैं द्वितीय भागम आकांक्षा द्वारा विभजते द्वितीय भाग मतलब श्लोक में आय न भूतात अभूतत् संभव अस्ति कथन इस द्वितीय भाग का जो है उसमें द्वितीय भागम आकांक्षा द्वारा इसको क्यों कह रहे हैं कहना चाहते हैं एक आकांक्षा उठा करके उसके उत्तर के रूप में इसको देखते हैं यद्यपि मन से जागरिता सत असत स्वप्न जायते इति तद असत देखिए आप आपको स्पष्ट कर देगा जैसे तुम हम लोग कहते हैं जब मन जैसे कि हमको समझाने के लिए मान्यता देना पड़ा मन से मतलब तुम मानती यद्यपि मन से जागरिता सत सत विद्यमान जागृत जो है कारण है असत स्वप्न जागते असत स्वप्न उत्पन्न होते अगले श्लोक बोलेंगे सत से असत और सत से सत सत ये कारण है सत से सत का सत से असत का दोनों उत्पत्ति होना संभव नहीं है इसी प्रकार असत से असत का असत से सत का एक उत्पत्ति चारित हो सकता है होना संभव नहीं इसीलिए यदि आप जागृत को सत मानोगे और स्वप्न को असत मानोगे आप बताओ मेरे को सत से असत की उत्पत्ति कहीं दिखाई दिया कहाँ दिखाई दिया सत से कभी असत की उत्पत्ति होना संभव है सत से जो उत्पत्ति होगा वो इसीलिए ये जब मिथ्या ही है ये मिथ्या से मिथ्या कितना सुंदर रूप में भाग्य पाचो यद्यपि मन से जागरिता सत है ना चाहिए यहाँ पर सकल है पंचमी है कि बने जागृत सब विद्यमान वस्तु से मतलब पारमार्थिक वस्तु से असत स्वप्न जायते अपारमार्थिक स्वप्निक वस्तु उत्पन्न हो जाएगी आपका ये सिद्धांत तक असत ये सिद्धांत सही नहीं है क्योंकि कभी होने ना चाहे भूत है तो अभूत से देखिए आकांक्षा है क्योंकि मानवीय जी क्या बोला आकांक्षा उठा करके श्लोक की दूसरी आधा भाग से उसका उत्तर दे रहे हैं आकांक्षा क्या तुम कहते हो कि सत्य जागृत से मिथ्या स्वप्न उत्पन्न होता है कहाँ पे हुआ देखो मैं सभी में इसका मतलब ये भी जगत को भी एक असत्य कह रहे हैं जागृत को भी असत्य कह रहे हैं वही तो प्रतिपादन कर मानते कहाँ है जागृत को सत्य मानने वाला जो है एक आस्तिक दर्शन में तो कोई नहीं मानते सत्य जागत को जगत को सत्य मानते हैं नित्य मानते हैं एक वेदांती जो है इसको मिथ्या मानना चाहते हैं तो फल तो जो है अनित्य तो सभी वादियों ने माना है परंतु अनित्य और मिथ्या में भिन्नता है अनित्य और मिथ्या में भिन्नता है अनित्य वस्तु जब नाश होता है उसका कुछ अवशेष रह जाता है जैसे सर्प शरीर एक सर्प शरीर अनित्य सर्प शरीर है उस अनित्य सर्प शरीर को अगर आप मारोगे मार दोगे तो उसका जगह मृत शरीर पर रहेगा मृत शरीर को जलाओगे तब क्या हो जाएगा उसका कुछ राख रह जाएगा यानी कि अनित्य वस्तु की जब नाश होती है तब क्या होता है उसका कुछ अवशेष रह जाएगा अवशेष नाश होता है और मिथ्या वस्तु नील अवशेष नाश होता है वो गलत नहीं करना अधिष्ठान को नहीं मानना मिथ्या वस्तु क्या होता है अधिष्ठान में रज्जु को दिखाई दे रहा है सर्प का जब नाश होगा तब उस सर्प का क्या रह जाएगा उस सर्प का क्या रह जाएगा कुछ नहीं रहेगा सर्प का अधिष्ठान ही रहेगा वहाँ पे केवल अनित्य सर्प का अनित्य सर्प का मृत शरीर अथवा अनित्य सर्प का जला हुआ शरीर रह सकता है परंतु मिथ्या सर्प का कुछ भी नहीं रहेगा ये मिथ्या और अनित्य में भिन्नता अन्नवादियों ने जगत की अनित्य तो माना मिथ्या बनने की हिम्मत नहीं करते वेदांती मिथ्या बोलते हैं मतलब कहते हैं कि क्या यानी तब जिगर मुक्त पुरुष के लिए नहीं बचता है बचता है कि परिवहन उस समय हम केवल इतना ही मतलब लेंगे जिस प्रकार मरुभूमि में पानी वो भी भ्रांति स्थल है
तो उसका मन में दृढ़ निश्चय रहता है, मतलब चाक्षिकता की प्रतीति होने पर भी पानी नहीं है निश्चय होता है, क्योंकि जगत अकेला इनके लिए नहीं है, जगत सभी के लिए सामान्य है, क्योंकि मधु है ये। यम पृथ्वी सर्वेशा भूतानां मधु अस्य पृथ्वीम सर्वाणी भूतानि मधु, इसलिए अनेक जीवों के समष्टि कर्मफल से बना हुआ है, किसी एक व्यक्ति का निश्चय होने का तुरंत जगत नाश हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि से जगत है, इसीलिए जगत कहाँ पे लीन हो गए जगत, ये अभिव्यक्त होता है। इसलिए बोलते हैं कि यद्यपि मन से जागरिता सत असत स्वप्न जाती तक असत, ऐसा भी नहीं हो सकता। न भूतात विद्यमान, ये शंका के उत्तर में आप जो है श्लोक की द्वितीय अर्थ बोल रहे हैं, न भूतात विद्यमान अभूतस्य असत संभव अस्ति लोके, लोक व्यवहार में भूतात् मतलब सत्य विद्यमान वस्तु से, भूतात् सत्य विद्यमान वस्तु से अभूतस्य मतलब असत संभव, उसको संभव रूप से उत्पन्न होना, इसे भाष्य को संभव ही प्रयोग किया, संभव लोक व्यवहार में कहीं नहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं दिखाई देता। तीन नंबर टिप्पणी दिखाई पड़े, तीन भूतात् मतलब पारमार्थिक कोई वस्तु से अपारमार्थिक वस्तु उत्पन्न हो जाए ये होना संभव भी नहीं है। इसे होता है भूतात् विद्यमान अभूतस्य असत्यस्य संभव अस्ति लोके, न ही असत सस्व विषाणादि संभव दृष्ट, क्योंकि सस्व विषाणादि जो असत वस्तु है इसका उत्पत्ति कहीं नहीं दिखाई दे, आकाश कुसुम सस्व विषाण रूप, नहीं असत सस्व विषाण आदि षष्ठी एक वचन है, नहीं असत सस्व विषाण आदि संभव दृष्ट कथनचित, अभी असत सस्व विषाण आदि का उत्पत्ति होते कहीं भी नहीं दिखाई दे, सत से असत की उत्पत्ति कहीं होते भी नहीं दिखाई दे। इसलिए बोलते हैं टीका में देखिए द्वितीय भाव, संभव न असतो अस्ति इति एतद् दृष्टान्तेन साधयति, असत वस्तु की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, असत संभव न अस्ति है ना, संभव न असतो अस्ति मतलब असत संभव न अस्ति इति एतद्, इस हमारे ये प्रतीक वाक्य को दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, एतद् दृष्टान्तेन साधयति, दृष्टांत क्या दिया, नहीं असत सस्व विषाणादि संभव दृष्ट कथनचित, है ना, सस्व विषाणादि का उत्पत्ति किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई व्यक्ति करके नहीं दिखा सकते, है ना, इति इसका उत्तर कथनचिदपि सतो असतो वा, कथनचित अर्थ से क्या है, सत से असत की और असत से सत की और असत से सत की और असत से सत की, ये किसी प्रकार से असत और सत ये कथनचित मतलब किसी भी प्रकार से उत्पत्ति होना संभव नहीं, वो व्यक्ति मानने वाला नहीं है, जानते हो एक बार कुछ बोलते हो फिर बदल जाते हो, नहीं अभी बोल के आया था कि जागृत जो है कारण है या सब सब उसका कार्य है, और अभी तुमने मुद्दा बन दिया कारण मिथ्या नहीं होता, इसलिए कह सकते जयदुक्तम उत्पत्त प्रसिद्धतम, ये जो आपने कहा उत्पत्ति होना संभव नहीं है ये आपका युक्ति संगत, अभी आपने कहा एक श्लोक पहले आपने कह क्या कहा, जागृत कारण है स्वप्न उसका कार्य है, अब बोलते उत्पत्ति नहीं है, क्या पागल पाने विनती होगी जो बोल के आते हैं, भगवत गीता में भी ऐसा ही लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण पहले कुछ बोल गया कि भूल गया फिर दूसरा बोलने लग जाते हैं, कई जगह पैसा लगेगा कि पहले बोलते हैं, यदि बोलते हैं नहीं नहीं हम भूले नहीं, तुम हमारी बात को समझ नहीं पाए, तुम हमारी बात को समझ नहीं पाए, कितना सुंदर उत्तर देंगे अब यहाँ पे, इसलिए शास्त्र आपको आनंद देगा, क्योंकि वो आपको बुद्धि में जो ठीक से बैठ जाता है कोई शंका नहीं रहेगा, और दूसरी बात क्या है कि इतना एक मतलब दार्शनिक स्थिति जो हमारे ऋषि लोगों ने दिखाया उसको समझ पाने पर स्वाभाविक रूप से जो है ना जो स्वरूपानंद अलग बात है, परंतु दार्शनिक स्थिति को यदि मन उसको ग्रहण कर लेता है जिस कारण से मन बोझ उठा रहा था इसको सत्य मानकर, वो बोझ निकल जाएगा, बोझ हट जाएगा, आपको लगेगा कि वास्तव में यह आनंद है। जो मैं वहाँ पर बोला था देखो शास्त्र बोलता है आनंदादि खड़ी विमान भूतानि जायन्ति, आनंद है ना जातानि जीवन्ति आनंद प्रयन्ति अभिशम्विशन्ति, किसी व्यक्ति को पूछ करके देखो कैसे हो भाई, महाराज महा दुखी, ये कैसे हो सकता है शास्त्र इतना बड़ा झूठ कैसे बोलते है कि नहीं, ऐसे तो दिखता है शास्त्र बोलता है कि आनंद से उत्पत्ति आनंद में स्थिति आनंद में खेलना अपना आनंद में लाए, और सारे व्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं बोलता है कि मैं आनंद में, क्या बीच में आ गया जो पूरा के पूरा आनंद को दुख में बदल दिया, केवल ये परिच्छन आत्मनुक्ति अहंकार केवल इतना ही जो है सारा दुख की बोझ ढो रहा है, सारा दुख की बोझ ढो रहा है मेरे अहंकार, इसको देखो कितना सुंदर आगे बोलेंगे
जब उत्तम उत्पादस्य और प्रसिद्धतम, ये जो हमें क्या बोलते हैं उत्पादस्य और प्रसिद्धतम, आपने अभी पहले श्लोक में बोल कर कहा कि कारण जगत जागृत है और स्वप्न उसका कार्य है, और आज क्या बोल रहे हैं आपने उत्पाद्य हो ही नहीं, उत्पन्न प्रसिद्धतम, आपका जो कथन ठीक नहीं है। तो मेरा क्या बोल रहे हैं आप, यहाँ हमारे चीज को ठीक से समझा नहीं, क्या समझा नहीं है वो बोलेंगे। देखो यहाँ पे स्वप्न जागृत हो तया कार्य कारण तो अंगीकरणा, पूर्ववादी बोल रहे हैं अभी आपने क्या कहा, स्वप्न जो है कार्य है और जागृत उसका कारण है, अब ये कहते हैं तो कोई जागृत है नहीं, सब कुछ नहीं है, ये कैसे स्वप्न जागृत कार्य कारण जो अंगीकरण अभी आशंक, ऐसा शंका करने पर तो उत्तर देते हैं देखिए, असत जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने, अब असत जागरिते दृष्ट्वा असत जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः, स्वप्ने पश्यति तन्मयः, असत स्वप्ने अपि दृष्ट्वा च, असत स्वप्ने अपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति, प्रतिबुद्धो न पश्यति, असत जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः, असत स्वप्ने दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति। यहाँ पे एक शब्द देखो भाई, जागृत वस्तु तुम्हारा सपनों के लिए हेतु नहीं होता, हमने वहाँ पे क्या बोला था, प्रत्येक व्यक्ति के स्वप्न अलग अलग होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, जिसके मन जज जिसमय हो गया तन्मय, ये इसका उत्तर है, है ना, जिस वस्तु में मन हो जाता है वो मन उसको सपने में देखता है, इसीलिए जागृत वस्तु सपने के लिए हेतु नहीं है, जागृत वस्तु में सत्यत्व अथवा तन्मयता बुद्धि सपने के लिए हेतु है, तुमने हमारी सूक्ष्मता को समझ नहीं पाया, ठीक है, ये चीज है यहाँ पर उत्तर के रूप में, समय हो गया मैं इसको कल करूँ, मैं सामान्य अर्थ बताते हैं, असत जागरित दृष्टा स्वप्ने पश्यति तन्मय, जागृत में असत वस्तु को देख कर मिथ्या वस्तु देखा, जिस प्रकार देखिए हमने मिथ्या रजत को देखा, चाकचिक्यता देख सत्य रजत की भावना कर ली, और करने के बाद उसको प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं, क्यों वो सत्य तन्मय हो जाता है मन, ये जो ये वो इसी को स्वप्न मानता है, इसलिए मन तन्मय होने का जागृत वस्तु प्रातिभाषिक वस्तु है, प्रातिभाषिक वस्तु है, अब मैं क्या हुआ यदि मैं वहाँ पे जाता स्वप्न में देख, मतलब व्यवहार जब काल में मैंने रास्ते में एक सिक्का देखा था पर उठा नहीं पाया क्योंकि अगल बगल में लोग हैं गरीब नहीं, अब इसी को मन में भावना रख करके सो गया, रात को स्वप्न देख रहा हूँ, क्या यदि उसको उठा लेता तो अच्छा होता, नहीं क्या सच वस्तु था, ऐसा ये तन्मय मन स्वप्न के लिए हेतु होता है, वस्तु हेतु नहीं होता, ये अभिप्राय यहाँ पे, इसी प्रकार स्वप्न में भी असत्य वस्तु को देख करके, स्वप्न तो निश्चय रहता है असत है, इसीलिए प्रतिबुद्ध न पश्यति जग करके नहीं देखता, इसी प्रकार जागृत में भी आपको ऐसे प्रतिभाषिक वस्तु दिखाई दे रहा, आत्मा के प्रति जग जाओगे तो फिर दिखाई नहीं देगा, उन्हें ठीक है तब कहेंगे, आज फिर पहला वाला हो फोर्थ रहेगा, अजम अपि योनियोगं प्राप्तैश्वर्ययोगा अगतिं च गतिमत्तां प्राप्तदेकं ह्यनेकं विविधविषयधर्मक्रायमुग्धेक्षणानां प्रणतभिधय विहन्त्वि ब्रह्मजत्तन्नतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे